वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर फ्रिल बेबी फ्रॉक। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक लिए हुए हैं, जहाँ प्रिंटेड फैब्रिक हमने लिया है 1 मीटर और प्लेन फैब्रिक हमने लिया है सिर्फ 1/2 मीटर। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने प्रिंटेड फैब्रिक को 4 फोल्ड में लिया हुआ है। अब हम मार्किंग करेंगे। तो फोल्डेड एरिया से शोल्डर हम लेंगे 4 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हम लेंगे 4 इंचेस। दोनों पार्ट्स को मिलाना है यहाँ पे। चेस्ट का पार्ट यहाँ पे हम लेंगे 7 इंचेस। आर्म होल ड्रॉ करेंगे राउंड शेप बनाते हुए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ हम लेंगे 8 इंचेस। और यहाँ से कमर के ब्रॉडनेस हम लेंगे 6 इंचेस। और यहाँ से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। नेक के ब्रॉडनेस हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंचेस। और लेंथ हमें लेनी है 2.5 इंचेस। राउंड शेप बनाते हुए नेक ड्रॉ करना है यहाँ पे। अब हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे तो हमें 2 पीसेस मिल गए हैं फ्रंट और बैक के लिए टॉप पार्ट के। इस तरह से अब हमने यहाँ पे आर्म होल के शेप में इस तरह की स्ट्रिप्स कट की हुई है फैब्रिक से, जिसे हम आर्म होल पे उल्टा रखेंगे। और दूसरे आर्म होल पे भी हमें स्ट्रिप्स को उल्टा रखना है। और इस तरह से दूसरे पार्ट में भी हम आर्म होल्स पे स्ट्रिप्स को उल्टा रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे सभी आर्म होल में हम सिरा लगाएंगे। ये देखिए हमने सिरा लगा दी है इस तरह से। अब यहाँ पे हल्के हाथों से नोचिस लगाने हैं यहाँ पे हमें, जहाँ भी हमने सिरा लगाई है दोनों पार्ट्स में आर्म होल में, वहाँ हमें हल्के हाथों से नोटिस लगाने हैं। इस तरह से दोनों पार्ट्स में हमें नोटिस लगाने हैं इस तरह से। अब यहाँ पे आर्म होल में स्टिप्स को रॉन्ग साइड पे हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमें सिरा लगानी है। इस तरह से सभी आर्म होल में हम स्टिप्स को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करेंगे और सिरा लगाएंगे। ये देखिए हमने रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके सिरा लगा दी है सभी आर्म होल में इस तरह से। अब ये जो हमारा राइट पार्ट है उसके ऊपर हम दूसरा पार्ट उल्टा रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। और यहाँ पे दोनों शोल्डर में हम सिरा लगा के उसकी फिटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों शोल्डर में सिरा लगा के उसकी फिटिंग कर ली है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जिसे हमने 8 फोल्ड में रखा है। अब हम मार्किंग करेंगे। तो फोल्डेड एरिया से 3.5 इंचेस जितना हम ब्रॉडनेस मार्क करेंगे यहाँ पे, और फोल्डेड एरिया से यहाँ पे क्रॉस में हम 3.5 इंचेस जितना मार्क करेंगे, और वापस यहाँ पे लेंथ भी हमें 3.5 इंचेस मार्क करना है। अब ये तीनों मार्किंग पॉइंट्स को मिलाते हुए हम इस तरह से राउंड शेप बनाएंगे यहाँ पे। और ये जो मार्किंग है यहाँ से
थ्री इंचेस हमें मार्क करना है इस तरह से, और वापस हमें थ्री इंचेस मार्क करना है डाउन पे। अब यहाँ पे तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए फिर से हमें राउंड शेप बनाना है। अब हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे तो हमें इस तरह के दो राउंड मिल गए हैं। यहाँ पे दो राउंड शेप हमें मिल गए हैं इस तरह से। तब ये जो हमारा राइट पार्ट है उसके ऊपर हम दूसरे पार्ट को उल्टा रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। दोनों राउंड को अच्छे से मिलाना है यहाँ पे हमें, और अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ आउटर राउंड में हमें सिला लगानी है। इस तरह से इनर राउंड में भी हम सिला लगाएंगे। ये देखिए हमने सिला लगा दी है इस तरह से। अब यहाँ से हम कट लगाएंगे। और ये जो हमने कट लगाया है यहाँ से हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। ये देखिए हमने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे इनर राउंड में हम बड़े नंबरों वाली सिला लगाएंगे। ये देखिए हमने सिला लगा दी है, और यहाँ से हम एक धागे को पकड़ के एक हाथ से खींचते जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से गैदरिंग बनाएंगे हम। इस तरह से पूरे राउंड में हमें गैदरिंग बनानी है। ये देखिए हमने इस तरह की रफल यहाँ पे बना ली है। अब ये जो हमारा पार्ट है इसे हमने रॉन्ग साइड पे रखा है, और यहाँ पे इस रफल को हम रॉन्ग साइड पे ही रखते हुए दोनों राउंड को हमें यहाँ पे मिलाना है, और अच्छे से मिलाएंगे यहाँ पे हम। और अच्छे से मिलाने के बाद हमें यहाँ पे हमें पूरे राउंड में सिला लगानी है। ये देखिए हमने सिला लगा दी है पूरे राउंड में। अब हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। तो ये देखिए हमने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हमें ऊपर से कवर सिला लगा के उसकी फिटिंग करनी है। ये देखिए हमने ऊपर से कवर सिला लगा के उसे फिटिंग कर ली है रफल को। अब यहाँ पे ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है यहाँ हमें सेंटर मार्क करना है। और ये मार्किंग पॉइंट से हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर तक। अब यहाँ पे हम दोनों पार्ट्स को डिवाइडेड करेंगे यहाँ से कट लगा के, तो हमें इसे कट करना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने इस तरह की स्ट्रिप्स कट की हुई है प्लेन फैब्रिक से, जिसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करने के बाद रॉन्ग साइड पे यहाँ पे हमें इसे रखना है और यहाँ पे हम सिला लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे स्ट्रिप्स को भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पे रॉन्ग साइड पे, और यहाँ पे उल्टा रखने के बाद
हमें यहाँ सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा के स्टिप्स अटैच कर ली है और इसे राइट साइड पे टर्न किया है और अब हम इसे इस तरह से अरेंज करेंगे। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हमें यहाँ पे 1 इंच की डिस्टेंस पे सिलाई लगानी है और इसकी फिटिंग करनी है। ये देखिए हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा के उसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे प्रिंटेड फैब्रिक से इस तरह का रेक्टेंगल पीस हमने कट किया हुआ है जिसकी लेंथ हमने ली है 14 इंचेस और ब्रॉडनेस हमने ली है 15 इंचेस। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे इसे अच्छे से फोल्ड करना है और अच्छे से फोल्ड करने के बाद हमें इस तरह से यहाँ से हल्का सा राउंड शेप बनाना है। इस तरह से हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ से इसे कट करेंगे। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे और इस तरह से हमें इसे अरेंज करना है बॉटम पार्ट को। अब यहाँ पे हमने प्लेन फैब्रिक से इस तरह के स्ट्रिप्स बनाए हुए हैं। इसे हम यहाँ पे नीचे वाले बॉर्डर पे रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है रॉन्ग साइड पे। अब यहाँ पे हम बड़े नंबरों वाली सिलाई लगाएंगे अपर लाइन पे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है और यहाँ पे हम एक धागे को पकड़ के खींचते जाएंगे और एक हाथ से हम इस तरह से यहाँ पे गैदरिंग बनाएंगे और इस तरह से पूरे स्टिप्स में हमें गैदरिंग बनानी है। ये देखिए हमने इस तरह की रफल यहाँ पे बना ली है। अब यहाँ पे हमने जो बॉटम बनाया है इसे हम इस तरह से राइट साइड पे रखेंगे और ये जो हमने रफल बनाई है इसे हम उल्टा रखते हुए यहाँ पे नीचे वाले बॉर्डर पे इस तरह से हम उसके साथ मिलाते जाएंगे और इस तरह से मिलाते जाना है यहाँ पे उसको उल्टा रखते हुए और यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा के उसकी फिटिंग करेंगे। ये देखिए हमने सिला लगा के उसकी फिटिंग कर ली है और इसे राइट साइड पे टर्न किया है। अब यहाँ पे हम बड़े नंबर वाली सिला लगाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे सिला लगा दी है और यहाँ पे एक धागे को अलग करके हम एक हाथ से खींचते जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से हमारी गैदरिंग यहाँ पे तैयार होती जाएगी। और इस तरह से पूरे पार्ट में हमें गैदरिंग बनानी है यहाँ पे। ये देखिए हमने ये गैदरिंग बना ली है यहाँ पे। अब ये जो हमारा टॉप का पार्ट है उसके साथ हम बॉटम को अटैच करेंगे। इस तरह से हमने अरेंज किया हुआ है बॉटम को तो हमें यहाँ पे टॉप और बॉटम को मिलाना है। तो यहाँ पे
ये जो बॉटम पार्ट है इसे हम टॉप पार्ट पे उल्टा रखेंगे। उल्टा रखते जाना है और दोनों को मिलाते जाना है और यहाँ पे हम पिन करेंगे। और इस तरह से टॉप और बॉटम को मिलाते जाना है और हमें यहाँ पे पिन करना है। इस तरह से टॉप पार्ट के ऊपर हमें बॉटम को उल्टा रखते जाना है और यहाँ पे हम पिन करेंगे। तो इस तरह से पूरे राउंड को हमें मिलाते जाना है टॉप और बॉटम को और इसे पिन करना है। और इस तरह से पिन करने के बाद हम यहाँ पे पूरे राउंड में सिरा लगाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे टॉप और बॉटम को जॉइंट कर लिया है और इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हमने इस तरह के दो बटन्स लिए हुए हैं जिसे हम यहाँ टॉप पे इस तरह से अरेंज करेंगे और यहाँ पे हमें इसे अटैच करने हैं। तो इस तरह से हमारा वेब फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। तो इस तरह से तैयार है हमारा डिज़ाइनर फ्रिल बेबी फ्रॉक। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही उस बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।